खाना बनना शुरू हो चुका है। क्या बोला? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, तू संतराम के वो रहते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमित्र ऑफिशियल फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। घर के सभी लोग जा चुके हैं, ड्यूटी करने वाले जो लोग हैं वो जा चुके हैं। वो जाने के बाद तो घर में ऐसा सामान फैला रहता है कि क्या बताओ, किचन की हालत तो ऐसी हो जाती है कि बस जैसा लगता है कि उसको समेटने में कितना समय लग जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि कपड़े धो के पहले कपड़े ही धो लेते हैं, क्योंकि दो तीन दिन से मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। तो कपड़े तो सूखने में समझ ही सकते हैं कि बारिश होती तो कपड़े सूखने में तो बड़ा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आज थोड़ा दिन अच्छा हुआ है तो सोचते हैं कि कपड़े पहले धो लेते हैं, फिर बाकी का काम हम बाद में करते रहेंगे। तो वही देख रही थी कपड़े कहाँ कहाँ गंदे पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, तो छत पे आए हैं कपड़े धोने के लिए। तो कपड़ा मैंने मशीन में लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कपड़ा ये धुल रहा है। और गद्दा भी जो है मैंने छत पे ला के डाल दिया है कि थोड़ा धूप लग जाएगा, क्योंकि बॉबी है इसी पे टॉयलेट कर दी थी तो गीला था, दो दिन से तो धूप ही नहीं निकल रहा था कि छत पे ला के वो करे। तो आज मैंने लेके आई हूँ, धूप निकला हुआ है देख सकते हैं। वैसे तो खास धूप निकला नहीं है, फिर भी निकला है कितना हो जाएगा। तो चादर वदर जो है, दरी वरी सब मैंने छत पर डाल दिया, बाकी कपड़ा धुल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है घर है, जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो उस टाइम इतना घर यहाँ पे बना हुआ नहीं था, और आप देखिए कितना जल्दी घर बन रहा है और बहुत जल्दी विकास हो रहा है। धड़ाधड़ इधर घर बने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इधर खेत हैं, घर बन रहे हैं। और ये टमाटर का पौधा लगाया था बहुत पहले, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था। तो अभी ये पौधा सूख चुका है, इसमें छोटे छोटे टमाटर लगे हुए थे, वो हमने तोड़ लिया है, कल तोड़ा था। खैर अभी एक दो और टमाटर हैं छोटे छोटे, आप देख सकते हैं, पर मुझे लगता है कि अब टमाटर बड़े नहीं होंगे, जैसे ठंड लग चुकी है पौधे को, तो ये अब नहीं होगा, मुरझा भी गया ही है। खैर फिर भी इसमें सात आठ टमाटर तो लग ही गए थे बहुत अच्छे से।